नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। आमतौर पर बैंडबाजों के साथ घोड़ी पर दूल्हे को बैठकर दुल्हन के घर बारात ले जाते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुल्हन खुद घोड़ी पर सवार होकर बैंडबाजों के साथ नाचते हुए दूल्हे के घर पहुंची। दुल्हन के साथ उसके परिवार और रिश्तेदार भी थे, जो बैंडबाजों के धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। रतलाम में यह दुल्हन के घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर जाने की यह शादी श्री माली ब्राह्मण समाज के एक व्यास परिवार में हुई। श्री माली समाज में एक अनूठी परंपरा है, दुल्हन शादी में एक दिन पहले दूल्हे के घर घोड़ी पर बैठकर बैंडबाजों के साथ अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुँचती है और दूल्हे को शादी के लिए आमंत्रित करती है। और वह घोड़ी जिस पर बैठकर दुल्हन पहुँचती है वह दूल्हे के घर ही छोड़ती है। इसी घोड़ी पर बैठकर दूल्हा दुल्हन से शादी करने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। रतलाम के श्रीमालीवास निवासी आयुषी की कल शादी है। वो अपने समाज की लुप्त हो रही इस परंपरा को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से लेकर सज धज कर घोड़ी पर बैठी और बैंडबाजों के साथ परिवारजनों को लेकर नाचते हुए दूल्हे के यहाँ पहुँच गई। चल समारोह में जब बैंडबाजों की धुन बज रही थी तो घोड़ी पर बैठी दुल्हनिया से भी नहीं रहा गया। दुल्हनिया भी घोड़ी पर बैठी हुई नाचने लगी। दूल्हे के घर पहुंचने पर दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन का स्वागत किया और आशीर्वाद स्वरूप कपड़े गहने आदि प्रदान किए। अब कल आयुषी की शादी होगी। श्री माली समाज में दुल्हन के घोड़ी पर बैठकर दूल्हे को शादी करने के लिए आमंत्रित करने की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन समय के साथ आए बदलाव में समाज के लोग अब चार पहिया वाहन का उपयोग करते हैं, लेकिन आयुषी जैसी पढ़ी लिखी युवती ने घोड़ी पर सवार होकर अपने समाज की पुरानी परंपरा को एक बार फिर से जीवित करने की पहल की है। हमारे यहाँ पे श्री माली ब्राह्मण समाज में रिवाज है कि दुल्हन जिस घोड़ी पे दूल्हे को इनवाइट पूरी बारात के साथ इनवाइट करने जाती है, उसी घोड़ी पे दूल्हा बैठ के बारात लेके आता है। तो ये हमारे समाज की परंपरा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, बट अभी वो परंपरा काफ़ी बंद हो चुकी है। सब अपने संस्कार रीति रिवाज भूल चुके हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना उस संस्कार रीति रिवाज और हमारे कल्चर को वापस लाया जाए। थोड़ा सा डर लगा, फिर इन्जॉय किया, डांस भी किया। हाँ, मैं अपने दूल्हे को आमंत्रित करने जा रही हूँ शादी के लिए। यह हमारे श्रीमाली ब्राह्मण समाज की परंपरा है। दुल्हन जिस घोड़ी पर जाती है उसी घोड़ी पर बैठकर दूल्हा बारात लेकर आता है। यह परंपरा है। घोड़ी पर बैठकर मुझे अच्छा लगा। इसके पहले मैं कभी भी घोड़ी पर नहीं बैठी थी। काल से परंपरा चली आ रही थी, श्री कृष्ण युग से चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेके आए थे, उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर जब बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के हिसाब से हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज का ये परंपरा को आगे बढ़ाने की नई पहल की है। हमारी बिटिया ने भी इसके लिए हमें सहमति दी और इस परंपरा को आगे और भी ब्राह्मण समाज निभाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दुल्हन घोड़ी पर नहीं बैठती है, दूल्हा ही बैठ के आता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर ये परंपरा थी कि दुल्हन शादी के एक रोज पहले दूल्हे को इनवाइट करने के लिए घोड़ी पर बैठ के जाती थी और फिर दूल्हा उसके ऊपर बैठकर तोरण मारने के लिए दुल्हन के द्वार पे आता था। अच्छा, जैसे अभी यहाँ दूल्हे के घर आ गए हैं आप लोग, क्या क्या रस्म निभाई जाएगी? अभी दुल्हन के परिवार, दुल्हन की माता, बुआ, बहन, जो भी सीनियर सिटीजन है, वो दुल्हन को साड़ी कपड़े गहने देके उसकी मंगल कामना आशीर्वाद देते हैं कि उसका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और आगे सारे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, आशीर्वाद देते हैं सभी बुजुर्ग लोग। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही, जिसे आड़ नोरा कह बोलते हैं हमारे इसमें, दुल्हन की जाती। बाकी क्या है कि धीरे धीरे लोग कार में, टैक्सी में, इसमें बैठ के आने लगे और ये परंपरा ख़त्म होने लगी। अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्णा रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेकर आए थे, उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के लिए हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह एक पहल की है। बिटिया ने भी हमें इसके लिए सहमति दी और इस परंपरा को ब्राह्मण समाज भी आगे निभाए। अक्सर यह देखा जाता है कि दुल्हन घोड़ी पर नहीं बैठती, दूल्हा ही बैठकर आता है, लेकिन हमारे समाज के अंदर यह परंपरा थी कि दुल्हन शादी के एक दिन पहले दूल्हे को आमंत्रित करने के लिए घोड़ी पर बैठकर उसके घर जाती है और दूल्हा उसी घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर तोरण मारने के लिए दुल्हन के घर आता है। दुल्हन के परिवार, दुल्हन के माता,
जो भी सीनियर सिटीजन है दुल्हन को साड़ी कपड़े देते हैं और उसके मंगल की कामना करने के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं। उसका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो, आगे सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो आदि आशीर्वाद देते हैं सभी बुजुर्ग लोग। यह परंपरा काफी समय से चली आ रही है जिसे हमारे समाज ने आठ नोहरा बोलते हैं। दुल्हन ही घोड़ी पर बैठकर जाती है, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे लोग कार में बैठकर आने लगे हैं और यह परंपरा खत्म होने लगी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।